चिराग पासवान को तो अपनों ने ही लूट लिया, लेकिन अब इसमें बिहार के सियासी गलियारों की बात की जाए तो लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग दलों की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी गई। कहीं से ऑफर मिले तो कहीं पर ये कहा गया कि उनकी खुद की गलती की वजह से ही चिराग पासवान के सामने आज ये परिस्थिति आ पड़ी है। लेकिन इन सब के बीच सीपीआई के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी चिराग पासवान के इस हालात पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। दरअसल उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी राजनीतिक उद्भव ये बताती है कि वन नेशन वन पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता जो चाहेगी वही होगा। अगर जनता चिराग को पसंद करती है या मुझे पसंद करती है तो पार्टी या सरकार उसकी ही होगी। क्या कुछ कहते हैं कन्हैया कुमार चिराग पासवान को लेकर, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। सीपीआई के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि चिराग को सियासी चाल चलकर अकेला कर दिया गया है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक उद्भव को देखें तो वन पार्टी वन नेशन की बात कहती रहती है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले नेता वही होगा जिसके साथ जनता होगी। फाइनल अप्रूवल पब्लिक ही देती है। उन्होंने आगे बातचीत में कहा कि कन्हैया कुमार कोरोना काल में कहीं भी नजर नहीं आए, अचानक एलजेपी के टूट के बाद जरूर सियासी बयानबाजी में कूद पड़े हैं। चिराग के मामले में उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी दोनों तरफ से खेल रही है। विधानसभा में जेडीयू की सीटें घटवा दी, गृह मंत्रालय को लेकर काफी जिद हुई थी, अब ताजा मामला में बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा कि अपने इंटरेस्ट के आधार पर पार्टियां में टूट हो रही है। कन्हैया कुमार ने इस पर जोर दिया कि वर्तमान समय की मांग है कि यूनाइटेड फ्रंट को लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि आप देखें तो पाएंगे कि बीजेपी भी वैसे ही आज इतनी आगे बढ़ी है। बीजेपी ने तो महबूबा, अकाली दल और नीतीश कुमार तीनों के साथ अलायंस किया। हालांकि बिहार के सियासत पर बोलने वाले कन्हैया कुमार को जनता भी बखूबी समझ रही है। कोरोना काल में भाकपा नेता कन्हैया कुमार बिहार में कहीं नजर नहीं आए। बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले वाम दल के नेता अपने क्षेत्र में भी नहीं दिखे। कोरोना संक्रमण के दौर में ना तो किसी तरह की बयानबाजी और ना ही लोगों की हालात को देखकर वो उनके बीच पहुंचे। काफी दिनों से जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले कन्हैया कुमार एलजेपी की टूट पर सियासत करते नजर आ रहे हैं। वो चिराग पासवान के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो कन्हैया कुमार ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के सामने जो आज ये परिस्थिति आन पड़ी है उसका सीधा श्रेय किसी न किसी प्लानिंग को जाता है। खास करके उन्होंने जेडीयू और भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अक्सर ही अपनी वाकपटुता के लिए कन्हैया कुमार जाने जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ हमेशा ही बयानबाजी करते हैं। इस पूरे कोरोना काल की बात करें तो वहां पर अगर कन्हैया कुमार की मौजूदगी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, ना ही उनके सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता दिखाई दे रही थी और ना ही जमीनी तौर पर वो जनता के बीच जा रहे थे। इस कोरोना काल में अगर हम लोकसभा क्षेत्र में बेगूसराय से उन्होंने चुनाव लड़ा था, अपने क्षेत्र में भी उनकी कहीं भी मौजूदगी दिखाई नहीं दी, लेकिन अब जब बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है तो कन्हैया कुमार भी बयानबाजी करने में पीछे नहीं हट रहे। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।